स्टूडेंट्स ऑफ फिफ्थ क्लास, मैं मैथ्स टीचर ओपी सैनी आज आपको मैथ्स की क्लास में लार्ज नंबर्स की क्लास ऑनलाइन पढ़ाऊंगा। इसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से किसी भी नंबर को एक्सपेंड फॉर्म में यानी बढ़ाकर लिखा जा सकता है। एक्सपेंडेड फॉर्म में करने के लिए नंबर रिटर्न है 5975012254। इसमें सबसे पहले फर्स्ट डिजिट को लिखेंगे, फिर जितनी डिजिट हैं उतने जीरो पुट कर देंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर हमने 8 जीरो पुट कर दिए। 4 5 6 7 8 प्लस, अब नेक्स्ट नंबर लिखा 9, इसमें कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ 7 जीरो पुट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट डिजिट 7, यहाँ पर 6 जीरो पुट कर जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट डिजिट 5, 5 के आगे 5 डिजिट हैं इसलिए 5 जीरो पुट होंगी। इसके बाद 0 है इसको छोड़ देंगे। फिर 1 के आगे 3 डिजिट हैं इसलिए 3 जीरो हमने यहाँ पुट कर दी। फिर 2, इसके बाद 2 डिजिट हैं तो 2 जीरो पुट हो जाएंगी। प्लस 50 प्लस 4, ये है आपका किसी भी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में करने का तरीका। पहली डिजिट लिखते हैं, जितनी डिजिट उसके बाद हैं उतनी जीरो पुट कर दो, प्लस उससे अगली डिजिट, फिर जितनी नंबर्स हैं उतनी जीरो लिख दी, फिर प्लस अगली डिजिट, फिर उसके बाद जितने नंबर्स हैं या डिजिट्स हैं उतनी जीरो हम यहाँ लिख देते हैं, और इसी तरह करते हुए चले जाते हैं, तो ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाता है। दूसरा होता है इसमें शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म ये किस तरह से करते हैं? शॉर्ट फॉर्म करने के लिए एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन होती है, जैसे ये है 8000000 प्लस 4000000 प्लस 6000000 प्लस 20000000 प्लस 7000000 प्लस 900 प्लस 40 प्लस 8, इसको हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो इसको सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो डिजिट है हमारे पास यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट हैं, तो पहला लिख दिया हमने। यहाँ पर आपकी 7 डिजिट्स हैं, कोई डिजिट छूटी नहीं है, तो नेक्स्ट डिजिट आ जाएगा। फिर 6 हैं तो अगली डिजिट आ गई, या 5 डिजिट हैं तो उससे अगली डिजिट आ गई, फिर 4 हैं तो उससे अगली डिजिट आ गई, यहाँ पर 3 हैं तो उससे अगली, इसी तरह से हम इन डिजिट्स को लिखते जाते हैं। अगर कोई भी डिजिट गैप है तो उसकी जगह पर जीरो पुट कर देते हैं। एक तो इसका ये तरीका है, दूसरा इन सब नंबर्स को कॉलम में एक के नीचे एक लिखते हुए प्लस कर लो, फिर उसका जो आंसर आएगा वो आपका शॉर्ट फॉर्म होगा। तो शॉर्ट फॉर्म लिखने के लिए इन डिजिट्स को भी साथ साथ लिख सकते हैं, या सब नंबर्स को रफ में ऐड कर लें, और ऐड करने के बाद जो आंसर होगा इन सब का वो आपकी शॉर्ट फॉर्म होगी। तो ये हो गया आपका शॉर्ट फॉर्म लिखने का तरीका। अब इसके बाद आता है आपका सक्सेसर। सक्सेसर क्या होता है? ये सक्सेसर होता है अगर हम किसी भी नंबर में 1 प्लस कर दें, उससे नेक्स्ट नंबर लिख दें, तो उसका सक्सेसर होगा। जैसे ये आपका 1
298. अगर इसका हमें सक्सेसर फाइंड करना है तो इससे नेक्स्ट नंबर 98 है, यहाँ 99 जो होगा वो आपका सक्सेसर होगा, तो 8 की जगह पर 9 कर देंगे तो नंबर हो जाएगा, ये तो सेम रहेगा 629, 8 की जगह पर यहाँ 9 कर देंगे, ये इसका सक्सेसर होगा। इसी तरह से ये नंबर है आपका 1296, 299, इसका सक्सेसर करें। तो लास्ट का नंबर हम देखते हैं, ये 298 था तो हमने 299 कर दिया, यहाँ पर 299 है, नंबर सेम है देखने में, बस यही अंतर है। इसलिए अगर आप इसको सक्सेसर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ 300 हो जाएगा ये, तो 1296 300 ये हो जाएगा इसका। इसी तरह से अगर हम ये लेते हैं, थ्री 4689 कोई भी नंबर अपनी तरफ से ले लिया, जब इसका सक्सेसर करेंगे तो हो जाएगा 3 4 6 और 89 की जगह पर हो जाएगा यहाँ 90। इसी तरह से होता है प्रेडेसेसर, ये किसी भी नंबर से दिए हुए का पहले का नंबर होता है, यानी इसमें से 1 माइनस कर देते हैं। इसी नंबर को अगर हम लेते हैं तो 1296298, अगर इसका प्रेडेसेसर फाइंड करें तो ये 98 का 97 हो जाएगा ये, तो 1296297 ये प्रेडेसेसर। इसी तरह से कोई नंबर लेते हैं हम दूसरा आगे, 1296299, जब इसका प्रेडेसेसर करेंगे तो 299 है तो 98 हो जाएगा, तो 1296298। इसके बाद होता है कंपेयर, किस तरह से करते हैं नंबर को कंपेयर करते हैं दो नंबर्स को हम, जैसे ये गिवन में है आपको 142697 एंड सेकंड नंबर है 142797। इसमें कंपेयर मींस कौन सा नंबर छोटा है कौन सा बड़ा है, स्मॉलर और ग्रेटर नंबर हमें फाइंड करने हैं। अब इसमें 142 यहाँ तक दोनों नंबर सेम हैं। अब इसके बाद आप अगर देखें तो ये 600 है और यहाँ 700 है, तो ये वाला नंबर आपका ग्रेटर है और ये नंबर स्मॉलर हो गया। तो इसमें क्या हो गया, जो स्मॉलर नंबर हो गया हो गया ये 142697 और ग्रेटर नंबर हो गया 142797। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब समझ में आ गया होगा। थैंक यू, दैट्स ऑल। सब्सक्राइब नाउ and press the bell icon. Never miss an update.